हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द अनदर न्यू वीडियो। तो आज हम टॉप 10 हिंदी डब एनिमे मूवीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस शाने खड़े ले कोई नहीं देता ताली, हाँ तेरे से बेटा वो नहीं पटने वाली। तो समय की खोटा खराबे मवाली, घर वालों से खारे ला गाली। इज्जत की माँ की आंख नाक में भी बाली, जेब में है नोट वो भी है जाली। क्या करे कोर्ट, सुनवाई है जारी, अपने को समझ नहीं आ रही। बातें सुना दूंगा ऐसी जो भेजे पे भारी। आज का ये जो टॉप 10 एनिमे मूवीज है वो सभी फैन डब एनिमे है, वो भी आपके जैसे हमारे जैसे फैन है। और उन सभी की मेहनत के वजह से हमें एनिमे मूवीज और एनिमे भी हिंदी में देखने मिल रही है। तो नंबर 10 पर है तामाको लव स्टोरी। इस एनिमे को एनिमे डबिंग स्टार ने डब किया है। इस एनिमे की स्टोरी तामाको, जो कि इसकी मेन कैरेक्टर है, यह एनिमे उसकी एवरीडे लाइफ विद हर फ्रेंड्स, फैमिली, नेबर्स एंड पेक्यूलर बर्ड्स इन पर है। साथ ही में तामाको को जो चाइल्डहुड फ्रेंड होता है मोचिजो, वो उसे बहुत ही पसंद करता है और तामाको भी उसे पसंद करती है, पर वो दोनों एक दूसरे को बताने से बहुत ही शर्माते हैं। नंबर 9 पर है डिजिमोन एडवेंचर। यह एनिमे एनिमे टीएम डबर्स ने डब किया है। यह एनिमे एडवेंचर, फैंटेसी, ड्रामा, कॉमेडी इस पर है, जिसमें 7 चिल्ड्रन डिजिटल वर्ल्ड में ट्रांसफर होते हैं बिफोर एट समर कैंप। वो वहाँ डिजिमोन, जो कि डिजिटल मॉन्स्टर होते हैं, उनसे दोस्ती करते हैं और अपने घर कैसे जाए उसका रास्ता वो ढूंढने की कोशिश करते हैं। नंबर 8 पर है पटेमा इन्वर्टेड। इस एनिमे को डीवी एनिमे वर्ल्ड ने डब किया है। इस एनिमे में एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट फेलियर की वजह से अर्थ की जो ग्रेविटी है वो रिवर्स हो जाती है और अर्थ का जो कुछ हिस्सा होता है वो हवा में जाने लगता है। पटेमा और एज, जो कि इसके मेन कैरेक्टर है, वो दोनों ग्रेविटी रिवर्स क्यों हुई, कैसे हुई, ये ढूंढने की कोशिश करते हैं और उसका सॉल्यूशन भी ढूंढने की कोशिश करते हैं। नंबर 7 पर है होतारू भी नो मोरी ई। एनिमे टीएम डबर्स ने इसकी डबिंग की है। ये एनिमे की स्टोरी होतारू, अ यंग गर्ल एंड हर फ्रेंडशिप विद जिन, जो कि एक स्ट्रेंज यंग मैन है और हमेशा मास्क पहनता है। होतारू का जो फ्रेंड है वो सुपर नेचुरल है। अगर कोई ह्यूमन उसे टच करे तो वो उसी समय डिसअपीयर हो जाएगा। होतारू हर समय पर उससे मिलने आती है और अपना समय उसके साथ बिताती है। साथ ही में उन दोनों की बॉन्डिंग जो है वो बढ़ती ही रहती है। नंबर 6 पर है गार्डन ऑफ वर्ड्स। इस एनिमे को भी एनिमे टीएम डबर्स ने डब किया है। ये स्टोरी ताकाओ आकीजाकी, जो कि 15 साल का, और युकारी युकिनो, जो कि 27 साल की एक ओल्ड लेडी, वो दोनों नेशनल गार्डन में रेनी डेज में एक दूसरे से मिलते हैं। ताकाओ एक शू मेकर होता है और वो शूज की डिजाइन बनाने के लिए क्लास स्किप करता है, और युकारी जो है वो अपनी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से वर्क को अवॉइड करती रहती है। वो दोनों एक दूसरे से अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं और साथ ही में वो उन दोनों को रियलाइज होता है कि वो दोनों एक दूसरे को मदद करते हैं कि आगे कैसे बढ़े। ये मूवी ड्रामा, रोमांस और इमोशनल क्लाइमैक्स पर है। नंबर 5 पर है 5 cm/s। इस एनिमे को डीवी एनिमे वर्ल्ड ने डब किया है। ये एनिमे लव का तो है पर इसमें हैप्पी एंडिंग नहीं है। ये एनिमे हमें न्यू लाइफ स्टार्ट करने की और मूव ऑन होने की बहुत ही बढ़िया सीख देता है। ताकाकी, जो इसका मेन कैरेक्टर है, वो अपने लॉस्ट लव को भुलाकर आगे बढ़ता है। ये बहुत ही अच्छी लाइफ एडवाइजर एंड इमोशनल मूवी है। नंबर 4 पर है ग्रेव ऑफ द फायर फाइल्स। इस एनिमे को एनिमे टीएम डबर्स ने डब किया है। इस एनिमे मूवी को हम सर्वाइवल इंस्टेंट स्टोरी भी कह सकते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो लोग बचे उन सभी पर बेस्ड ये स्टोरी है, जिनमें सेतो, एक टीनेज बॉय, एंड उसकी यंगर सिस्टर सेतेस्कू, ये इसके मेन कैरेक्टर है। वो दोनों कैसे आगे बढ़े और कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज उन्हें फेस करनी पड़ी, ये एक बहुत ही इमोशनल स्टोरी है। शायद ही इसे देखकर कोई रोना पड़े। नंबर 3 पर है आई वॉन्ट टू ईट योर पैंक्रियास। इस एनिमे के 2 फैन डब्स अवेलेबल है, द ऑफिशियल डबर्स एंड एनिमेट डब टीम। ये भी एक बहुत ही अच्छी और बढ़िया एनिमे मूवी है। इस स्टोरी की जो बेसलाइन है, लिविंग विद डाइंग, ये एनिमे भी रियल लाइफ पार्ट स्टोरी की तरह है। साकुरा और हारुकी दोनों एक अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन में एक दूसरे से मिलते हैं, और हारुकी को ये पता चलता है कि साकुरा
को एक मेडिकल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो कभी भी मर सकती है। साकुरा की एक बहुत बड़ी विश लिस्ट होती है जो कि वो मरने से पहले पूरी करना चाहती है, और साथ ही में वो हारुकी को भी बदलना चाहती है। वो एक बहुत ही साइलेंट, कोल्ड और किसी से ज़्यादा मिलना नहीं, बात करना नहीं ऐसा लड़का होता है, तो वो उसे भी बदलना चाहती है। साकुरा उसमें एक पॉजिटिव एनर्जी डाल के उसमें कुछ बदलाव लाना चाहती है। नेक्स्ट नंबर 2 पर है साइलेंट वाइफ। इस एनिमे को द ऑफिशियल डबर्स ने डब किया है। ये एनिमे एक बहुत ही इमोशनल एंड हार्ट टचिंग मूवी है। मैं सच में इस एनिमे को देखते समय रो ही पड़ा था। यह एनिमे मूवी भी लाइफ के एक डीपेस्ट पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। आपने अगर इस एनिमे को अभी तक नहीं देखा तो मैं ये एनिमे आप जरूर देखिए ऐसा ही कहूँगा। अब आज का लास्ट और नंबर 1 एनिमे जो कि हर जगह नंबर 1 है, योर नेम। इस एनिमे की डबिंग एनिमे TM डबर्स ने की है। इसके बारे में तो मुझे कुछ बताने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि सभी एनिमे फैंस ने यह मूवी देखी ही है। यह एनिमे ड्रामा, रोमांस, कॉमेडी और बहुत से ऐसे अमेजिंग स्टोरी से भरी पड़ी है, साथ ही में इमोशनल सीन्स और हैप्पी एंडिंग। मैंने अभी तक इस एनिमे को कम से कम 10 बार तो देख ही चुका हूँ। बहुत ही अच्छी और मज़ेदार एनिमे मूवी है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। फिर क्या बोलता गरज आज हो गया मरत को बाइकों की गरज मेरे को बाइकों ने गरज में अकेला बरस में सरस में चरस में बरसेगा तू मेरे को मिलने को 10 टाइम तरसेगा।